के बाद सौदा भेज रहे थे तो पता चला वो उधर आदमी बेटा पड़ा रो में लगा साथ मार दी मार दिया पीछे हो जाओ अब हम फाड़ के दर के मारे किनारे हट नाम पारा करने वाला ऐसे वो अकेले ही रहता था बाकी उसके ग्रुप में परिवार वाले भी जो वहां पे चले गए चले गए होंगे ना ये सर पूरी उम्मीद है कि वो बिल्कुल बच गए भागजू आदमी ले जाओ आपकी परिवार की जो मदद होगी हम लोग कराएंगे इसके लिए जो है कुछ बात मिल गई है सर बात नौकरी देने का और जो कुछ पैसा जो बेटा कह रहे हैं डी एम सामने से वादा किया है कमिटमेंट किया है कि घर में जो है एक व्यक्ति को किसी को जो नौकरी जो बच्चा पढ़ा लिखा होगा उसको नौकरी दिया जाएगा प्लस शासन को लिख के भेजा जाएगा जो भी संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा वो मदद मिले आर्थिक आर्थिक मदद जो हाँ बेटा वही तो भाई भाई साहब की सुनिए और किसी माने थे मेरे घर में तो कोई नहीं था हाँ बेटा वही गार्जियन था सब कुछ गार्जियन ही था आपके परिवार में कोई नहीं था भाई था लेकिन हम लोग पुलिस वाले को अपना भाई समझते हैं कि हम लोग हर 10 दिन में 15 दिन में आपकी जो है पूछताछ करेंगे कोई दिक्कत तो नहीं है आपको परिवार में ठीक है और बच्चे को नौकरी की बात हो गई है इसके अलावा लखनऊ स्तर से भी कुछ सहायता आप लोगों को दिलवाई जाएगी दुख सबको है जितना दुख आपको है हम लोगों को भी दुख है कि कोई गरीब व्यक्ति बिना किसी कारण के तो हम लोग भी बहुत दुखी हैं बहुत अच्छा परिवार है आप लोगों का इतना अच्छा परिवार है कि ना तो कोई शिकायत है ना लड़ाई झगड़ा ना कुछ और बिना उसके जो है जो ये घटना घटित हुई है तो उसका दुख बहुत है हम लोगों को तो हम लोगों को अब आप हम लोग सपोर्ट करेंगे आपको ठीक है पुलिस आपके घर में हर हफ्ते एक बार पूछने आएगी कि कोई दिक्कत है या नहीं कोई दिक्कत एकदम शहर में कल रात्रि में लगभग 8:30 बजे की ये घटना है एक व्यक्ति ने दो व्यक्ति जो यहाँ पर लड़के थे उनको छुरा मारा है जिसमें से एक व्यक्ति की मृत्यु हो गई है दूसरे बच्चे का इलाज चल रहा है लखनऊ के डॉक्टर से बात हुई है वो आउट ऑफ डेंजर है जिस बच्चे की कल हत्या हुई थी उसका आज दाह संस्कार कर दिया गया है और परिवार के लोगों से अभी मैं मिलकर आया हूँ परिवार के लोगों को आश्वस्त किया है कि जो भी अभियुक्त हैं उनकी अतिशीघ्र गिरफ्तारी करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी और शासन के स्तर से स्थानीय लोगों के स्तर से जो भी आर्थिक मदद है हम लोग कराने का प्रयास कर रहे हैं इसके अलावा परिवार के एक सदस्य को हम लोग प्रयास करेंगे कि कोई नौकरी मिल जाए
ताकि घर में कोई समस्या ना हो। क्या हमलावरों की पहचान हो पाई, वो कौन लोग थे, कहां थे? देखिए हमने कुछ संदिग्ध लोग इसमें पकड़े हैं और अति शीघ्र मुझे उम्मीद है कि जो सही अभियुक्त है वो पुलिस की पकड़ में होगा और आप लोगों के सामने भी होगा। ठीक है, अभी पुलिस पूछताछ कर रही है, अभी किसी अंतिम निष्कर्ष पर नहीं पहुंची है। जैसा मैंने बताया, अति शीघ्र जो अभियुक्त है वो मीडिया के सम्मुख लाया जाएगा और पूरे कारणों को भी आप लोगों के सम्मुख रखा जाएगा। ये हत्यारे कितनी संख्या में थे? जानकारी मिली है जो प्रत्यक्षदर्शी हैं, जो स्थानीय लोग हैं, उनके अनुसार एक ही व्यक्ति था जिसके हाथ में एक छुरा टाइप का था जिससे उसने घटना को अंजाम दिया। पहली घटना है, इससे पहले जो भी हत्याएं हुई हैं वो प्रायः रंजसवास प्रेम प्रसंग में जमीनी विवाद में हुई है, लेकिन ये एक अलग ढंग की घटना है जिसमें अभी तक कोई रंजस या कोई विवाद सामने नहीं आया है। इसलिए पुलिस के लिए ज़्यादा चुनौतीपूर्ण है कि जिसने कारण नहीं पता है हम लोगों को और फिर भी हत्या यहाँ पर हुई है, लेकिन फिर भी हम लोग इस घटना का पूरी तरह से अतिशीघ्र खुलासा करेंगे। लेकिन जो भी अपराधी हैं वो जेल की सलाखों के पीछे होंगे, जिन्होंने भी ये दुस्साहस किया है उनके विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कोई भी अपराधी ये न समझे कि पुलिस की पकड़ से दूर रहेगा, पुलिस के हाथ अपराधियों के हाथ से बहुत लंबे हैं और बहुत जल्दी ऐसे सभी अपराधी जेल की सलाखों के पीछे होंगे या उनको ये प्रदेश छोड़कर जाना पड़ेगा। पूरी तरह से शांति है, सामान्य स्थिति, हम लोग भ्रमणशील हैं, कोई ऐसी बात नहीं।